पता है नॉर्मली ग्रिप कैसे होना चाहिए। अभी भी दो में ऐसे पकड़ रहे हैं राइट, ये पकड़ रहे हैं, अब कुछ चारों उंगली पकड़ना है ऐसा, ये देखो पकड़े चारों उंगली, ये देखो दिख रहे चारों उंगली से हम साइड में हैं, कितना गैप होना चाहिए हमारे बीच में कितना, और ये गैप हमारे शोल्डर पे आना चाहिए, अच्छा ये पोजिशन होना चाहिए, हमारा जो एल्बो है एल्बो स्टेट होना चाहिए। एल्बो भोजन क्या कर रहे हैं इस तरह से, पहले साथ हमारा क्या हो जा रहा है थक जा रहा है, थकना नहीं चाहिए क्योंकि ये हल्का है बॉल है तो वजन नहीं रहेगा, और जब शॉट उठाता है तो वजन हो जाता है राइट। मैं पूरा ऐसे पकड़ना है और अपने गले के पास रहना ऐसा, ये देखो ग्रिप पकड़ने का तरीका है चारों उंगली से, पाम पूरा खाली होना चाहिए, पाम के ऊपर शॉट फुट नहीं आना चाहिए, जो पूरा पाम खाली है ग्रिप पकड़ा ओके। एल्बो मेरा स्ट्रेट है, रिस्ट सामने है नीचे, हमें एंगल में फेंकना है ओके। अगर सब राइट ही है तो लेफ्ट लेग का टू और राइट लेग का हिल ओके। देखो दोनों साथ में ऐसा क्रॉस, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से खड़ा होना है, ऐसा भी नहीं कि ऐसा हो जाए या ऐसा कर दो, अगर हम इतना डिस्टेंस क्या होगा हमारी बॉडी नहीं उठेगी ऊपर, क्या होना चाहिए हमारा थोड़ा सा अपने कंफर्टेबल में उठाना है। रखा पोजिशन पकड़ा मेरा, देखो एल्बो पूरा स्ट्रेट, एल्बो आपका झुकना नहीं चाहिए, एल्बो झुक रहा है बहुत जन का, स्ट्रेट रखा लेफ्ट लेफ्ट हैंड, ये हम लूज रखना है, और ये जब पोजिशन आएगा हमारा चेस्ट सेंटर पार्ट नी टू और फोरहेड ये सब एक एक एंगल में आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है किसी ने ऐसा करते हैं, कोई ऐसा करते हैं, नहीं रॉन्ग है सब ओके। क्या होना चाहिए ये पोजिशन लिया सामने, सामने लिया देखो पोजिशन किया, अब मेरे को थ्रू पोजिशन करना है, देखो धीरे धीरे उठ रहा है, बॉडी टर्न हो रही है मेरी, लेफ्ट हैंड जब यहाँ पे आएगा हमारा राइट लेग क्या होगा फोल्ड हो गया, पूरा राइट लेग स्ट्रेंथ आ गया, वजन आ गया, लेफ्ट हैंड को ऐसे खींचना है और राइट हैंड से खाना बॉडी देखो जाना चाहिए। अभी मैंने क्या किया क्या किया बताओ, थ्रो किया और मैंने क्या किया फाउल किया, क्यों किया क्योंकि मेरी बॉडी क्या हो गई पूरी आगे ढकेल गई थी ओके।